रेवाड़ी में रंगदारी का खेल जमाने के लिए फायरिंग कर दहशत पैदा करने वाले छोटा गैंग के खिलाफ देर रात रेवाड़ी पुलिस ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। 5 घंटे चले इस ऑपरेशन में रेवाड़ी व धारवाड़ा CIA टीमों को भी बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस टीमों ने गुरुग्राम के पटौदी में रेवाड़ी रोड पर छोटा गैंग के शार्प शूटर संदीप सोनी व उसके 5 साथियों को मुठभेड़ के बाद काबू कर लिया। कार्रवाई के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर 2 राउंड भी फायर किए, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर पुलिस ने आखिरकार उनकी गिरेबान पर हाथ डाल ही दिया। IG ने इस उपलब्धि पर पुलिस के जवानों की पीठ थपथपाई है। यहाँ 2 गैंग्स होती थी, छोटा गैंग और आलू गैंग। उसके एक जो क्रिमिनल है उसका संदीप सोनी, जो पैरोल पे आया था और पैरोल जंप करने के बाद उसने 3 घरों पे गोलियां चलाई थी, आप सबको पता होगा। और उसके बाद उसने 10 लाख रुपए की रंगदारी रेवाड़ी में किसी से मांगी, और जब से ये बाहर आया था इसने फायरिंग की थी, तभी से हमारी सारी टीमें, हमारे जिला पुलिस कप्तान इस पर बारीक नज़र रखे हुए थे। कल जब ये सूचना आई कि रंगदारी की बात हो रही है, उसके बाद में तुरंत ही SP साहब ने उनकी टीमों को सक्रिय किया। 10 लाख में से उनसे बातचीत करके जो अमाउंट निगोशिएट किया गया वो लेने के लिए संदीप सोनी जो शार्प शूटर है छोटा गैंग का, उसका आदमी कोई आया, उनको जो पहले से हमारी टीमें थी उन्होंने वहाँ राउंड अप करने के बाद डायलॉग उनसे बरकरार रखा और उनको पैसे लेकर के बुलाया गया एक पेट्रोल पंप पे रेवाड़ी बतौली रोड पे, रेवाड़ी रोड पे। और वहाँ पर पहले से ही हमारी टीमें जो थी मौजूद थी, जैसे वो पैसे लेने के लिए उतरे उसके बाद उनको राउंड अप करने की जैसी कोशिश हुई, उन्होंने पहले तो पुलिस पार्टी पे अपने व्हीकल से चलाने की कोशिश करी, उनके ऊपर पीछे करने की कोशिश करी, लेकिन दोनों तीनों तरफ से हमारी पार्टी ने घेरा हुआ था। देन दे ट्राइड टू फायर ऑन द पुलिस पार्टी, उन्होंने 2 राउंड फायर की, बट उसके बावजूद हमारी टीमों ने बड़ी बहादुरी से उनको ना सिर्फ संदीप सोनी को बल्कि उनके साथ उनके जो 5 साथी थे उन सभी को पकड़ के ऐसा गैंग निष्क्रिय किया है जो आतंक का पर्याय बन रहा था। मैं इसके लिए जिला पुलिस कप्तान राजेश दुग्गल और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही अच्छा काम करके इस रीजन को भयमुक्त करने का काम किया है। इनके ऊपर सभी पर क्रिमिनल केसेस है, वो डिटेल्स आपको अभी देते हैं, बहुत सारे संगीन मामले हैं। और एक अल्टो कार जिसमें ये आए थे ब्लैक कलर की, उसके अलावा एक मोटरसाइकिल जो उनके पहले लड़के ने राहुल ने यूज़ करी थी पैसा लेने के लिए, 2 वेपन्स इनसे रिकवर हुए प्रदीप सोनी और संदीप सोनी के पास से जिंदा कार दूसरे रिकवर हुए। रेवाड़ी के लिए खासकर और पूरे रेंज के लिए ये बड़े ही एक कामयाबी की और संतोष देने वाली घटना है कि पुलिस ने इस तरह का जो शार्प शूटर है जो बाहर आया था काबू किया। और मुझे SP साहब ने ये भी बताया कि जो आलू गैंग का एक और मुलजिम था जिसके ऊपर भी काफ़ी मुकदमे हैं, वो भी उसने अपना बेल जंप किया था, संदीप सोनी ने अपना पैरोल जंप किया था, तो उसको भी रेवाड़ी पुलिस ने कल काबू किया है। तो एक पॉसिबिलिटी थी कि आलू गैंग छोटा गैंग फिर से यहाँ आतंक बने, वो ख़त्म हो गई है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि इस तरह की कोई गैंग, इस तरह का कोई क्रिमिनल रेवाड़ी रेंज में चैन की सांस नहीं ले सकता। हमारे पुलिस कप्तान और हमारी टीमें इस बारे में बहुत ही जागरूक और हर क्रिमिनल को हम मैप कर रहे हैं। सो दिस इज स्मॉल इंफॉर्मेशन आई थॉट आई विल शेयर विद यू ऑल ऑफ यू। डिटेल्स आप प्रेस नोट आप सबको दे दीजिए। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें,
अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।